हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपको अपने क्लाइंट से मिलवाते हैं और सुनते हैं कि उनकी जर्नी क्या रही है अब तक। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो आपको क्या बीमारी थी और यहाँ पे आपका किस चीज़ का इलाज चल रहा था? मेरे को गैस की प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा है। अब मैं दिल्ली दो बार एडमिट रही। अच्छा। इस चक्कर में अब मुझे किसी ने बताया कि वहाँ इस चीज़ का इलाज है, ठीक है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यहाँ आई। मुझे पहले महीने तो थोड़ा फर्क लगने लगा, फिर दूसरे में कुछ और लगा, फिर तीसरे में और ज़्यादा लगा। अब काफ़ी जो मैं घर में नॉर्मल चीज़ बनती है अब खा लेती हूँ। हाँ। तो आपको मैम ये प्रॉब्लम कितने साल से है? ये 2 या 3 साल से थी। 2 या 3 साल। हाँ, मुझे पता भी नहीं लगा। बस जब ज़्यादा जैसे चाय पी या कुछ, चाय तो नॉर्मल पीते ही हैं, 2 ही टाइम, ज़्यादा नहीं मैं पीती, पर अब तो मैंने छोड़ दी। हाँ। तो अब आप जैसे आपको ये प्रॉब्लम थी 2-3 साल से, ठीक है, और इस बीच में आपने हॉस्पिटल में भी आप एडमिट हुए? मैंने कई डॉक्टरों की मेरठ में दवाई खाई, गैस्ट्रोलॉजी है अभी, पर ऐसा कि 1-2 महीने ठीक हो गए, फिर वही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि अब तक आपने कितने पैसे खर्च किए होंगे इसमें? काफ़ी पैसे खर्च कर लिए। और लेकिन आराम बिल्कुल नहीं मिला? एक बार ठीक हुए फिर दोबारा हो जाए? होम्योपैथिक भी इलाज चला, कम से कम 2-2 साल मैंने बंद हो खाई है। बस ऐसा ही है कि नॉर्मल फर्क लग गया और 2-1 महीने और फिर ऐसी हो जावे कि भाई जैसा खाना चालू करा दिक्कत बन जाएगी। और इस वजह से आप भी परेशान, बच्चे भी परेशान। हाँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? ये तो एक हमारी लड़की है सैफी, उसकी दोस्त की मम्मी को ये दिक्कत थी। अच्छा। उसने बताया। हाँ, कि डॉक्टर उपासना मोरा है दिल्ली में, वहाँ इलाज है। अच्छा, फिर अभी आपको कितने महीने हो गए दवाई लेते हुए? मुझे 18 तारीख को थी, 4th महीना लग जाएगा। 4 महीने आपको 18 तारीख को हो जाएंगे, 18 सितम्बर को। हाँ, ये मतलब ये जो 18 आई है ना, इससे 4th महीना लगेगा। और आपको कितना आराम है अब? आराम काफ़ी है। काफ़ी आराम। हाँ, काफ़ी आराम है। अब आपको कोई और अंग्रेजी दवाई लेने की तो जरूरत नहीं पड़ी ना? अंग्रेजी नहीं, कभी कभार ले लेती खाली पेट का कैप्सूल, अब उसे भी नहीं लेती मैं। हाँ। अब आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है? हाँ, बस ये कमजोरी तो महसूस हो रही है कि भाई अब तो इतने टाइम। हाँ। लेकिन अच्छा, जैसे आपने ये गैस वाली दवाई लेनी शुरू करी, जो ये आप यहाँ से ले रहे हो, तो क्या आपने ये भी महसूस किया कि उससे आपको शरीर में और भी चीज़ों में आराम मिल रहा है? बस शरीर में तो जैसे ये दिक्कत अब बताई है ना मैंने, यही आई है कि अच्छा। भाई जैसे दूध नहीं पिया, दही नहीं खाई, तो इन चीज़ों से थोड़ी कमी आ गई। हाँ। ये है। लेकिन अब आप ठीक हो? हाँ, ये ठीक हूँ मैं। अब आपकी बीमारी कितने % ठीक हो गई? ये ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। अब आपको मतलब ना कहीं एडमिट होने की जरूरत। अच्छा, आप एक बार वो देखो क्या होता है ना आंटी जी, हम ये इसलिए ले रहे हैं वीडियो में क्योंकि आप जिस बीमारी से गुजर रहे हो ना, ऐसे जाने कितने लोग, कितनी महिलाएं गुजर रहे हैं। देखा वीडियो पे आपका चैनल जी, तो जब भी समझ में आया। यहाँ 1 साल पहले भी बताया, ई द्वारिका में ही करती थी जब सर्विस। हाँ, तो इसने लापरवाही, मतलब यहाँ नंबर नहीं लगाया कुछ है, लापरवाही कर दी। लेकिन अब ये है ना कि जैसे आप आज ठीक हो गए ना, आपकी वीडियो को देख के, इस वाली वीडियो को देख के ना बहुत सारे लोग और मोटिवेट होंगे, उनको लगेगा नहीं, हिम्मत आएगी उनको कि हम यहाँ पे जाके ठीक हो सकते हैं, यहाँ इलाज हो सकता है। तो ये कहते हैं गैस का तो इलाज ही नहीं है, यहाँ है दिक्कत, तो अंग्रेजी बस ये खाते रहो। हाँ, और कोई इलाज नहीं। उससे अंदर भी छाती में जलन होना, उससे और भी दिक्कत होती होगी। हाँ, ये तो है ही। अच्छा, आप एडमिट हुए थे 1 साल, टेस्ट भी करवा फेंक के कुछ भी नहीं आया? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं आया ऐसा। अच्छा, जब आप एडमिट हुए थे, मतलब आप पिछले 1 साल में कितनी बार एडमिट हुए थे? मैं 2 बार हुई। 2 बार, जैसा कि मैंने कुछ 7 दिन नॉर्मल सब्जी खाई है और मुझे ना एकदम गैस सी बनी। अच्छा। और चक्कर आने चालू हो गए, तो मुझे ऐसी अब भी दिक्कत थी, पर अब 2 महीने से नहीं है। 2 महीने से अब आपको दिक्कत नहीं है? अब आप चाहे कुछ भी खा लेते हो? नहीं, ज़्यादा तो जैसे पनीर की सब्जी है या ये दही है, ये कुछ भी अभी मैं नहीं खा रही। बस नॉर्मल सब्जी जो घर में बनती है, जैसे कभी छोले बन गए, वैसे तो घिया तोरी ज़्यादातर मेरे यही चल रहे हैं। लेकिन अब आपको गैस नहीं बनती है? नहीं, अब नहीं बन रही।
अच्छा, जैसे आप यहाँ पे आपने इलाज लिया आपने यहाँ पे, तो आपको यहाँ का स्टाफ कैसा लगा या डॉक्टरों पास? और बहुत अच्छा लगा, मैडम की आदत बहुत अच्छी है। अच्छा, और डॉक्टर उपासना कैसे लगे आपको? हाँ वही तो क्या है, डॉक्टर उपासना मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, मैंने कितने लोगों को तो अपने मुंह से बताया कि भाई वहाँ है इलाज, देख लो भाई तुम्हें, ये जा सकते हो वहाँ। ठीक है, थैंक यू, और भी आगे बताऊंगी जब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जैसे आप ठीक हुए ना, वैसे जिन भी लोगों को ये बीमारी है, चाहे कोई भी बीमारी है, वो ठीक हो जाएगा। एक लोगों को ना ये लगता है कि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है ना, जो आयुर्वेदिक इलाज है, वो महंगा है, तो आप? महंगा नहीं है कुछ भी, कुछ भी महंगा नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेजी है वो भी कोई कम नहीं है। जब 1,000 डॉक्टर फीस के दे के आएंगे, 1,000 फीस है मेरठ में डॉक्टरों की। अच्छा, हाँ मैं उन तक के भी चली गई, पर यह है कि 2-2.5 महीने ठीक हो गई फिर। अच्छा, 1,000 जो फीस है वो सिर्फ फीस है, उसमें दवाई नहीं है? नहीं, दवाई अलग है। हाँ, अच्छा, आपने एक महीने में जो अंग्रेजी दवाइयाँ खाई थी, उनकी मतलब आप मेरे को कीमत बताएंगे, एक महीने में कितने तक की होती थी? 3-4 हज़ार की। 3-4 हज़ार की वो होती थी, और 1,000 रुपये डॉक्टर लेता था। हाँ, तो 4-5 हज़ार रुपये लग जाते। हाँ, थे। अच्छा, और अब से पहले जब मैं आई मेरठ से, तो एक डॉक्टर ने आयुर्वेदिक ही दी, वे पता ना ही वे ऐसी गोली जैसी आपकी हैं, पर मुझे उन्हें खा के कोई फ़र्क नहीं लगा। 2,500 की 15 दिन की, 2,500 की 15 दिन की। 5,000 की मतलब एक महीने की होगी सिर्फ दवाई? दवाई कुछ नहीं थी उन डॉक्टर की। हाँ, 5,000 की सिर्फ दवाई दवाई थी, लेकिन कोई आराम नहीं? बस मुझे ऐसा कोई खास आराम नहीं लगा जितना मुझे यहाँ लगा। यहाँ पे आप बिल्कुल अब ठीक हो? हाँ, बिल्कुल तो अभी नहीं हूँ, पर हाँ हो जाऊंगी, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। मतलब अब इतना आराम मिल गया, तो अब ये है कि जो बचा हुआ है वो भी मिल ही जाएगा। ये है कि जैसा मैं मिठा खा लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं कभी खाया, पर जैसे नॉर्मल घर में कोई चीज़ रखे मिठाई, तो उसे खाने से दिक्कत सी हो गया है। अभी भी होती है? हाँ, वो तन मन मैं डर के मारे खाती नहीं हूँ अभी, मैंने डर के मारे कुछ नहीं खाया। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, नमस्ते। सो लास्ट मंथ भी हमने रिव्यू लिया था, पर लास्ट मंथ ये आंटी नहीं आए थे, इनकी बिटिया आई थी तो उन्होंने रिव्यू दिया था, तो इस बार आंटी खुद आए थे, तो उन्होंने भी अपना सारा बताया कि क्योंकि जो ये बीमारियाँ हैं ना, इनका कहीं और इलाज है ही नहीं। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन लोग उन दवाइयों को लेते हैं, उसके बाद ठीक वैसा ही हो जाता है। और जैसा कि आप लोग कमेंट करते हो कि दवाइयां बहुत महंगी हैं, तो हमारे पेशेंट्स ने खुद बताया कि यहां पे क्या कॉस्ट है और पहले उन्होंने कितने की लिया दवाइयां। आई होप आप ये जर्नी सुन के कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए होंगे। ये एड्रेस हमारा यहाँ पर मैंशनड है, अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास हो तो आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हो।